अगर जोर से ऐसे ही अगर बीच से खींच दूंगी ना तो ये पूरा फट जाएगा। तो मतलब बहुत ही बेकार ब्लाउज का कपड़ा आपको मिलने वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका। आज की वीडियो जो सुपर अफोर्डेबल प्राइस में मीशो साड़ी हॉल का कलेक्शन में आपके लिए लेके आ गई हूँ। आज की जो साड़ियों का कलेक्शन है 400 रुपए के अंदर ही सारी साड़ियों का कलेक्शन होने वाला है। स्टार्टिंग प्राइस है 200 रुपीज होने वाली है। तो देखते हैं कि इतने कम प्राइस में ये सभी साड़ियां कैसी मुझे रिसीव हुई है, जो ऑर्डर किया था वही आई है कि नहीं आई है, प्राइस के अकॉर्डिंग इनकी क्वालिटी कैसी है, वर्थ इट है या फिर वेस्ट ऑफ मनी है। पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ, हमेशा की तरह ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ कि किस चीज में आपको अपने पैसे डालने चाहिए या किस चीज में आपको पैसे अपने नहीं खर्च करने चाहिए, पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए फ्रेंड्स प्लीज। इससे हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो को पसंद आ रही है और आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स। और आज का जो कलेक्शन है फेयरवेल पार्टी एकदम अराउंड द कॉर्नर है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ साड़ियां इसमें पिक की है जिसे आप फेयरवेल पार्टी में स्टाइल कर सकते हैं। सुपर अफोर्डेबल प्राइस में काफी लाइट वेटेड साड़ियां आज के हॉल में होने वाली। और अभी तक मैंने इन साड़ियों को जो है ओपन नहीं किया, आपके सामने ही इसकी अनबॉक्सिंग शेयर करने वाली हूँ, अपना फर्स्ट इंप्रेशन देने वाली हूँ कि ये सब साड़ियां मुझे कैसी रिसीव हुई है और जो मैंने ऑर्डर किया है वही मुझे मिली है कि नहीं मिली। चलिए बहुत ही ज्यादा बातें हो गई, फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि कैसी साड़ियां आई हैं। तो फर्स्ट जो साड़ी मैंने जो ऑर्डर की थी, जो मैंने ऑर्डर की थी मुझे वही रिसीव हुई है, कलर भी सेम वही आया है और यही साड़ी मैंने ऑर्डर की थी। तो अभी तो फिलहाल प्लास्टिक बहुत ही आवाज कर रही है और मैंने इसे थोड़ा सा ग्रीनिश कलर है और सिल्वर का टोन का काम है, यही वाली साड़ी मैंने ऑर्डर की थी। काफी ट्रेंडिंग साड़ी रही है ये और इसमें आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग भी मिल जाती है और ये जो इसमें फॉयल प्रिंट है मुझे लग रहा है, हाँ फ्रेंड्स ये पूरा फॉयल प्रिंट आपको मिलने वाला है, सिल्वर फॉयल प्रिंट की साड़ी आपको मिलने वाली है। तो चलिए फटाफट से इसे ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसी है। शुरू करेंगे इसके आंचल पोर्शन से। ये है इसका आंचल पोर्शन, वैसे तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है एकदम और मुझे नहीं लगता कि गर्ल्स इस साड़ी को फेयरवेल पार्टी में पहनना प्रिफर करने वाली हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि ये बिल्कुल ना पार्टी वेयर साड़ी होने वाली है, नाइट पार्टी के लिए ही ये साड़ी होने वाली, क्योंकि इसका सिल्वर फॉयल प्रिंट आप देख सकते हैं कितना ज्यादा लाउड है, लेकिन इस कलर के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा ओवर लग रहा है कि हाँ साड़ी का कलर भी काफी लाउड है, वर्क भी काफी लाउड है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको सटल कर रहा है। इस तरह से पूरा आपको लीफी लीफी पैटर्न मिलता है, पूरा गोटा पट्टी की आपको इस तरह से डिटेलिंग मिलती है साड़ी के चारों तरफ। और साड़ी का जो फैब्रिक है नेट काइंड का फैब्रिक है, सिमरी वाला नेट है, नेट में भी अपनी अलग से शाइन है, इसमें नेट की साड़ी आपको ये मिलने वाली। इस पे पूरा फॉयल प्रिंट है, एकदम सॉफ्ट वाला नेट है, बॉडी हगिंग वाला है, बिल्कुल भी हार्श या रफ सा नहीं है। तो और इसकी जो प्राइस है 307 या 308 रुपए है, मतलब 308 रुपए में अच्छी साड़ी लग रही है। अब देखते हैं पहनने के बाद स्टाइल करने के बाद कैसी लगती है ये। मुझे ऐसा लगता है कि ये पार्टी के लिए प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छी लग रही है, लेकिन इसका फॉयल प्रिंट की कोई गारंटी नहीं ले सकती हूँ मैं, क्योंकि फॉयल प्रिंट ऐसा होता है फ्रेंड ना कि हो सकता है कि वॉश करने के बाद धीरे धीरे जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि 2 से 3 वॉश में ही ये चला जाए, तो आपको इसे बहुत ही हैंडल विथ केयर करना होगा, बहुत ही आराम से वॉश करना होगा, बहुत ही ज्यादा ऐसे रगड़ रगड़ के नहीं वॉश करना होगा, छांव में सुखाना होगा, बस हल्का सा सर्फ में डिप किया और बहुत ही हल्के हाथों से इसे वॉश किया। वैसे मैं एक बार एकदम साइड में जो है उसे खूब अच्छे से रब करके देखती हूँ कि फॉयल प्रिंट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, और फ्रेंड्स इसका फॉयल प्रिंट थोड़ा थोड़ा निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं निकल रहा और ऐसा भी नहीं है कि पूरा खराब हो जा रहा। आप देखिए फ्रेंड्स मेरे हाथ पे आपको हल्का हल्का आपको फॉयल प्रिंट लगा हुआ दिख रहा होगा, ये तो नेल पेंट है, नेल पेंट भी एकदम एग्जैक्ट उसी कलर का लग गया है, तो आपको बिल्कुल हल्के हल्के से बहुत ही जरा जरा सा मेरे हाथ पे मुझे ऐसा दिख रहा है, मुझे लग रहा है कैमरे में नहीं आ रहा होगा, बहुत ही हल्का हल्का सा फॉयल प्रिंट इसका निकल रहा है बहुत ज्यादा रफ करने पे। तो साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी है और ट्राई ऑन में ही मैं आपको पूरा डिटेल बताती हूँ कि लेंथ कितनी है, चौड़ान कितनी है इसकी साड़ी की, कितने हाइट तक के लोगों को आने वाला है। ये है इसका ब्लाउज का कपड़ा, ब्लाउज भी एकदम शाइनिंग वाला रखा है, तो पूरा टोटली पार्टी वेयर साड़ी होने वाली है ये, फेस्टिवल में भी आप चाहें तो इसे कैरी कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इसे स्टाइल करके देखते हैं कि क्या है और उसी में पूरा डिटेल आपको बताती हूँ। पहनने के बाद इस साड़ी का लुक आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसा आने वाला है। पहनने के बाद इस साड़ी का लुक मुझे काफी पसंद आया, काफी अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा
लाउड लग रहा था, मुझे लग रहा था काफी लाउड होने वाला है, तो सिर्फ नाइट पार्टी में आप इसे कैरी कर सकते हैं, आप इसे डे में भी आराम से कैरी कर सकते हैं। बॉडी हगिंग मटेरियल एकदम सॉफ्ट सा नेट है, साड़ी की लेंथ अच्छी रखी इन्होंने, साड़ी की जो चौड़ान है 5 फिट 6 इंच वाला एकदम आराम से कैरी कर सकते हैं। लुक इसका बहुत ही प्यारा आ रहा था। इस साड़ी में बस आपको सिल्वर फॉइल प्रिंट का ही ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं कि कब तक ये टिकने वाला है, आपको काफी केयर के साथ इसे वॉश करना होगा और छांव में ही सुखाना होगा, तो ये थोड़ा दिनों तक टिक सकता है। बाकी प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, तो प्राइस के अकॉर्डिंग जो साड़ी मुझे अच्छी लगी, आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब खोलते हैं नेक्स्ट पार्सल को, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। बस जो ऑर्डर किया है वही निकले, मैं तो हमेशा यही कोशिश सोचती हूँ, और जो ऑर्डर किया था वही आया है। मैंने एक चीता प्रिंट में भी साड़ी ऑर्डर की, मुझे ये मीशो पे दिखा, मैंने कहा कि क्यों ना इसे भी ट्राई किया जाए, एनिमल प्रिंट वाली साड़ी। ये भी आपने कुछ कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटी को आपने इस तरह की एनिमल प्रिंट की साड़ी भी पहने हुए देखा होगा, तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में थी। मैंने कहा व्हाई नॉट इसे भी अपने कलेक्शन में इंक्लूड किया जाए, और इसकी जो प्राइस है 305 रुपये है, और काफी अच्छे से सील होके आई है पूरी, तो इसे सील को हम खोल लेते हैं। और इसमें भी शुरू करेंगे इसके आंचल पोर्शन से, ये है इसका आंचल। ओह माय गॉड, साड़ी का फैब्रिक तो काफी अच्छा रखा है इन्होंने, एकदम शिफॉन काइंड का फैब्रिक है, और पूरा ब्लैक कलर की इस तरह से पाइपिंग की आपको डिटेलिंग मिल जाती है। इसका प्रिंट आप देखिए फ्रेंड्स, जैसा इमेज में दिखाया गया था सेम डिक्टो वही प्रिंट आया है। ऐसा नहीं कि हाँ इसका प्रिंट अच्छा नहीं लग रहा, प्रिंट काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यारा प्रिंट लग रहा है। साड़ी का जो फैब्रिक है जॉर्जेट का ही फैब्रिक है, लेकिन एकदम सॉफ्ट वाला फैब्रिक है, मक्खन वाला फैब्रिक है। बहुत ही आराम से आप इसे ड्रेप कर सकती हैं, अगर आप बिगनर है तो भी आप इसे आराम से ड्रेप कर सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे साड़ी में आपको नीचे की साइड में आपको ये ब्लैक कलर के बॉर्डर की डिटेलिंग मिलती है, काफी बॉडी हगिंग मटेरियल ये होने वाला है, पहनने के बाद मुझे लगता है काफी प्यारा निकल के आएगा। और ये है इसके ब्लाउज का कपड़ा, ब्लाउज का कपड़ा टोटली वेस्ट है, मतलब क्या ही दिया है ब्लाउज का कपड़ा जो है इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि ब्लाउज में अस्तर लगाने के लिए अस्तर का कपड़ा दे दिया है, मतलब क्या ही बोलूं मैं। अगर जोर से ऐसे अगर बीच से खींच दूंगी ना, तो ये पूरा फट जाएगा, तो मतलब बहुत ही बेकार ब्लाउज का कपड़ा आपको मिलने वाला, देख सकते हैं कितना जालीदार है ये। तो ये इन्होंने ये ब्लाउज का फैब्रिक दिया जो कि एकदम वेस्ट है। वैसे साड़ी बहुत ही प्रिटी है, क्योंकि इसके साथ आप कोई और भी ब्लैक कलर का, कोई भी सिंपल सा ब्लैक कलर का ब्लाउज स्टाइल कर सकते हैं। ब्लाउज को तो आप भूल ही जाइएगा, इसका जो फैब्रिक है बहुत ही बेकार फैब्रिक है। और चलिए फटाफट से इसे स्टाइल करते हैं, और उसी में पूरी डिटेल आपको बताती हूँ। और ये है इस साड़ी का फाइनल लुक, पहनने के बाद इसका लुक कैसा आने वाला है। आप इसे थोड़ा सा और एक्सेसराइज और लाउड मेकअप करके आराम से पार्टी में भी इसे कैरी कर सकती हैं, और आप चाहें तो ऑफिस में भी इस साड़ी को कैरी कर सकती हैं, फेयरवेल पार्टी में भी आप इस साड़ी को कैरी कर सकती हैं। बहुत ही प्रिटी लुक निकल के आएगा, और एकदम अलग सा लुक निकल के आएगा, और बहुत ही लाइट वेटेड है, बॉडी हगिंग मटेरियल है, सॉफ्ट सा फैब्रिक है इसका। साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी है, साड़ी की जो चौड़ान है 5 फिट 6 इंच वाले विदाउट हील आराम से कैरी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने इसे ब्लैक कलर की गोल्डन फॉयल प्रिंट वाले ब्लाउज के साथ इसे कैरी किया, आप चाहें तो सिंपल प्लेन ब्लैक ब्लाउज भी इसके साथ कैरी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा। प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है, फुल पैसा वसूल मटेरियल है। अगर आपको ये साड़ी पसंद आती तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी साड़ी है। अब खोलते हैं नेक्स्ट पार्सल को, और जो ऑर्डर किया था वही आया है। और कभी कभी मीशो एकदम शॉक कर देता है, इतने कम प्राइस में इतनी ब्यूटीफुल साड़ियां मिल जाती हैं ना, तो मजा ही आ जाता है बिल्कुल। और ये मैंने मंगाई है गोल्डन कलर में साड़ी, ये भी आपने बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को स्टाइल किए हुए देखा होगा सेम इसी कलर में, तो ये है मैंने मंगाई है गोल्डन कलर की साड़ी। इसमें आपको कई और कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, थोड़ा सा मरूनिश है, थोड़ा सा वाइनिश शेड में है, तो पूरी साड़ी में इन्होंने कोई डिटेलिंग नहीं दी, ये पूरा प्लेन है, लेकिन गोल्डन गजब का गोल्डन कलर है फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही ज्यादा शाइनिंग है। आप वीडियो में देख ही पा रहे हो कितनी ज्यादा इसमें शाइनिंग है। और इसका जो फैब्रिक है फ्रेंड, मैं बता दू ना, लैक ब्लेंड फैब्रिक है इसमें, हल्का बहुत ही हल्का सा स्ट्रेचेबल हो रहा है, लैकरा ब्लेंड फैब्रिक है, काफी ज्यादा ग्लिटरी है, काफी ज्यादा शाइनिंग है, तो पूरा फुल वीविंग वीविंग टाइप का ही काम है इसमें, काफी ज्यादा शाइनिंग है। ये पूरी साड़ी आपको ऐसी ही मिलने वाली है, अब तो स्टाइल करने पे ही पता चलेगा कि लेंथ कितनी है, चौड़ान कितनी है इस साड़ी की। इसकी जो प्राइस है 300 रुपीज है, और ये है ब्लाउज का फैब्रिक, ब्लाउज का फैब्रिक भी इन्होंने अच्छा दिया है, आपको रेडिश मरूनिश रेडिश कलर का ब्लाउज मिल जाता है, आप चाहें तो आप अपने हिसाब से
कोई भी कलर का ब्लाउज कंट्रास्ट में इसके साथ पेयर कर सकते हैं। चलिए फटाफट से भी इसे भी पहन के देखते हैं कि पहनने के बाद कैसा लग रहा है, और इसी में बताती हूँ पूरी डिटेल इस साड़ी के बारे में कि क्या इसमें कमियां हैं क्या खूबियां हैं। और ये है गोल्डन कलर की साड़ी, पहनने के बाद इसका लुक आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारा सा लुक निकल के आएगा इस साड़ी को। आप इस साड़ी को आराम से किसी भी पार्टी फंक्शन किसी भी ओकेजन में या फिर फेस्टिवल में आराम से कैरी कर सकती हैं, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसे आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के ब्लाउज के साथ इसे कैरी करके नया लुक दे सकते हैं, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज के साथ भी इस साड़ी को आप कैरी कर सकती हैं, बहुत ही प्यारा आएगा। और बॉडी हगिंग मटेरियल है साड़ी की, लेंथ इन्होंने अच्छी रखी है, लैक्रा काइंड का फैब्रिक है, तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपको थोड़ी सी स्टिक हो रही है, लेकिन लुक इसका बहुत ही प्यारा निकल के आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। जिसकी भी हाइट जो 5 फीट 6 इंच है वो आराम से इस साड़ी को कैरी कर सकता है, 5 फीट 6 इंच वाले विदाउट हील ही इस साड़ी को कैरी कर सकते हैं। और लुक तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसा आ रहा है। कमेंट डाउन जरूर करिएगा कि कौन सी साड़ी आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है, फुल पैसा वसूल मटेरियल, अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स खोलते हैं नेक्स्ट पार्सल को। जा भैया जो ऑर्डर किया था वही आया हो, थैंक गॉड जो ऑर्डर किया था वही आया। ऊपर से दिख रहा था ये ब्लैक कलर, मैंने कहा तो ब्लैक कलर तो मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था, लेकिन जो ऑर्डर किया है वही मुझे रिसीव हुआ है। तो चलिए इसे भी ओपन करते हैं, और इसे मैंने रॉयल ब्लू कलर में ऑर्डर किया है। आप इसे फेयरवेल पार्टी में भी स्टाइल कर सकती हैं, इसका कलर बहुत ही प्रिटी है, एकदम अच्छे से सील होके आपको मिलती है ये साड़ी। और ये है इसका आंचल, आंचल तो आप देख ही रहे होंगे फ्रेंड्स कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है, बहुत ही प्रिटी सा आंचल है जिसका लुक मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। बस ये है ना इस आंचल में आप देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने लास्ट में ना ये सिलाई की हुई है, तो इस धागे को आपको निकालना होगा, तो फिर ये टेसल्स ना एकदम फ्रीली मूव करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। आप देखिए फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे इन्होंने एक सिलाई लगाई ताकि ये टेसल्स आपस में उलझे ना एक जगह होके। और ये है साड़ी, साड़ी जो शिफॉन की साड़ी है, ऊपर के साइड में आपको गोल्डन कलर की इस तरह से डिटेलिंग मिल जाती है, वीविंग का काम है, पूरा रबर प्रिंटिंग पे गोल्डन फॉयल प्रिंट हो रखा है। पहनने के बाद बहुत ही प्रिटी लगने वाली है ये साड़ी, बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत ही लाइट वेटेड है, इजी टू कैरी, आप आराम से इसे किसी भी पार्टी फंक्शन में स्टाइल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। फेस्टिवल में आप इसे स्टाइल कर सकती हैं, गर्ल्स इसे फेयरवेल पार्टी में स्टाइल कर सकती हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। किसी भी पार्टी फंक्शन में भी गर्ल इसे स्टाइल कर सकती हैं, बहुत ही प्यारी साड़ी है, साड़ी की लेंथ काफी अच्छी लग रही है, आप देखते हैं स्टाइल करने के बाद मैं आपको बताती हूँ। और ये है इसका ब्लाउज, ब्लाउज पूरा फुल वीविंग का काम आपको मिलता है, पूरा फुल वीविंग का काम इन्होंने ब्लू कलर पे ही दिया हुआ। आप चाहें तो कोई और गोल्डन कलर का भी ब्लाउज इसके साथ पिक कर सकते हैं, या फिर एकदम प्लेन लुक चाहते हैं तो एकदम प्लेन ब्लू कलर का ब्लाउज इसके साथ आप पेयर कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इसका भी ट्राई ऑन करते हैं, और उसी में बताती हूँ आपको डिटेल पूरी साड़ी की, बहुत ही प्यारी साड़ी। इस साड़ी की जो प्राइस है 348 या 370 रुपीज है, तो टोटली वर्थ इट साड़ी लगी मुझे ये भी। चलिए ट्राई ऑन करते हैं, और पहनने के बाद इस साड़ी का लुक आप देख सकते हैं कि कैसा आने वाला है। शिफॉन फैब्रिक की साड़ी है, सुपर लाइट वेटेड है, इजी टू कैरी है, लो मेंटेनेंस साड़ी है, मतलब इसे आपको कभी भी आयरन करने की आपको नीड नहीं पड़ेगी, और बहुत ही प्रिटी बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आता है। बिल्कुल ना ऐसा लगेगा पूरी साड़ी में जैसे सितारे से लगे हुए हैं, लेकिन गोल्डन फॉयल प्रिंट का ही काम है, रबर प्रिंट पे गोल्डन फॉयल प्रिंट हो रखा है, लुक काफी अच्छा है, बॉडी हगिंग मटेरियल है, सॉफ्ट सा फैब्रिक है, साड़ी की लेंथ इन्होंने काफी अच्छी की है, साड़ी की जो चौड़ान है 5 फीट 6 इंच वाले एकदम आराम से कैरी कर सकते हैं। मैंने इसे ब्लैक कलर के ब्लाउज के साथ टाई अप किया, आप इसे ब्लू कलर के ब्लाउज के साथ जब इसे पेयर करेंगे तो इसका लुक और भी अच्छा निकल के आएगा, और इस साड़ी को भी आप फेस्टिवल में भी आराम से कैरी कर सकती हैं, फेयरवेल पार्टी में पहन सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा लुक निकल के आएगा, क्योंकि बहुत ही लाइट वेटेड है तो आपको कैरी करने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये साड़ी भी काफी अच्छी लगी है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड, अगर आपको पसंद आता है तो आप परचेज कर सकते हैं। अब खोलते हैं नेक्स्ट पार्सल को और देखते हैं इसमें मुझे क्या रिसीव हुआ है। और जो मैंने ऑर्डर किया था वही मुझे रिसीव हुआ है, और आज के हॉल में सबसे सस्ती साड़ी यही है, इसकी जो प्राइस है 200 रुपीज है। तो चलिए ओपन करते हैं इसे, और ये है अगेन नेट फैब्रिक में आपको ये साड़ी मिलने वाली है। ये है इसका आंचल, मैं आपको शो करती हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स
पिंक कलर की साड़ी है, नेट का फैब्रिक है, इसपे पूरा रबर प्रिंट हो रखा है और ना ये बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि बिल्कुल या तो इसपे स्नो पड़ी हुई है, स्नो के छींटे पड़े हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखती है पहनने के बाद। और इसका जो नेट का फैब्रिक है, इन्होंने फैब्रिक अच्छा रखा है, नेट शिमरी वाला नेट नहीं है कि हाँ एकदम चमकीला वाला नेट है, नेट भी काफी सटल डाउन सा है, काफी सॉफ्ट सा नेट है। साड़ी की लेंथ तो अच्छी लग रही है, 200 रुपए में काफी अच्छी साड़ी है। देखते हैं स्टाइल करने पर ये कैसी लगती है, इसमें कोई डिटेलिंग नहीं है, ओवरऑल पूरा पूरी लास्ट एंड तक साड़ी आपको ऐसी ही प्रिंटिंग में मिलने वाली। चलिए फटाफट से इसे स्टाइल करते हैं और देखते हैं कैसी लग रही है। आप इसे फेयरवेल पार्टी में या फिर किसी भी ओकेजन पे आप इसे कैरी कर सकती हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। और देखती हूँ ब्लाउज इन्होंने इस तरह से कट करके दिया, सेम वही वाला फैब्रिक का ब्लाउज आपको इसमें मिल जाता है इस तरह से है। और ये है इस साड़ी का फाइनल लुक। मैंने इसके साथ व्हाइट कलर का ब्लाउज कैरी किया है, सेम इसी कलर का जो ब्लाउज रहेगा तो इस साड़ी का लुक काफी अच्छा निकल के आएगा। लेकिन ये साड़ी मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ, साड़ी की क्वालिटी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जो इसपे इन्होंने रबर प्रिंट किया हुआ है वो हाथ से रब करने पर पूरा निकल रहा है, तो टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। इसमें अपने पैसे बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिएगा, बहुत ही बेकार क्वालिटी है। दोस्तों यही था मेरा आज का मीशो साड़ी हॉल की वीडियो। आई होप आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।